महामारी के दौर में जहां एक ओर सत्ता की नाकामयाबी का भुगतान पूरा देश भुगतने पर मजबूर है, वहीं दूसरी ओर संसाधनों की किल्लत और कालाबाजारी पर प्रशासन अब भी मौन है। मसलन इंजेक्शन की कालाबाजारी कर गरीबों से हजारों रुपए लूटने जा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इंदौर के एक पत्रकार ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर उन्हें भौरकुआ पुलिस के हवाले किया। हम आपको बता दें कि इंदौर सहित समूचे देश में इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों से चल रही है। 900 रुपए की कीमत के इंजेक्शन भी 30,000 में बेचे जा रहे हैं। अपने मरीज की जान बचाने को मजबूर कुछ को अपना सब कुछ बेचकर इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है और कुछ को अपनी लाचारी के चलते अपने मरीज को खोना पड़ रहा है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी इन दलालों के दिल नहीं पसीजते और ना ही प्रशासन द्वारा इन पर लगाम लगाई जा रही है। पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंदौर के एक पत्रकार द्वारा मनोज सोनी नामक एक दलाल को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर पकड़ा गया, जिसके बाद थाना भौर को पदस्थ प्रधान आरक्षक धीरेंद्र राठौड़ और आरक्षक कमल के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान गणेश बिरला नामक एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि गणेश बिरला अपने साथी मनोज सोनी को इंजेक्शन उपलब्ध कराता था, जिसके बाद दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।